हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी व्लॉग्स एंड प्लांट्स। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो कोलियस प्लांट के बारे में है, जो एक बहुत सुंदर प्लांट होता है। इस पर फ्लावर भी आते हैं, लेकिन फिर भी इस पौधे को फ्लावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां कलरफुल होती है और सुंदर भी लगती है बहुत ज़्यादा। और इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपको नर्सरी में मिल जाएगी। मेरे पास अभी यही वाली वेराइटी है कोलियस की। इसकी प्रोपेगेशन काफ़ी इजी होती है, आप इसे कटिंग से भी उगा सकते हो, इसे बीजों से भी उगा सकते हो। आप इसकी एक छोटी सी कटिंग मिट्टी में लगा लीजिए, वो भी काफ़ी आसानी से चल जाती है। पानी में चाहे तो आप पानी में भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजीली ग्रो हो जाएगी। टाइम टू टाइम आप अपने प्लांट की कटिंग करते रहे, जिससे आपके प्लांट में नई नई ब्रांचेज आते रहे और ये बुशी हो जाए। इसकी पिंचिंग भी करते रहना चाहिए, उससे भी इसकी काफ़ी हैवी ग्रोथ होती है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। कोलियस प्लांट छोटे से गमले में आसानी से चल जाता है, इसे ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 6 से 7 इंच के पॉट में इजीली ग्रो हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरा जो कोलियस का प्लांट है वो ज़्यादा बड़े गमले में नहीं है, छोटे से पॉट में है और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे कटिंग की थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी बुशी हो गया है। ये प्लांट काफ़ी जल्दी डीशेप हो जाता है, इसीलिए हमें इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहना चाहिए। सॉइल मिक्स की बात करें तो आप इसमें एक हिस्सा रिवर सैंड ले, एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले और मैन्योर ऐड कर ले, तो इसके लिए अच्छी सॉइल रहेगी। सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा देर तक पानी ना रुके, और जब पौधे को पानी की ज़रूरत हो पानी तभी दे आप, चेक करके पानी दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डेली पानी देते हैं, उससे ओवर वाटरिंग हो जाती है और रूट्स जो है गलनी शुरू हो जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। तो हमेशा पानी अपने पौधों में चेक करके ही दे। इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। समर में तो आप इसमें फर्टिलाइज़र ना दें, अगर आप देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट, काओ डंग या डीकंपोस्ट खाद दे सकते हैं। 1 महीने में 1 मुट्ठी खाद बहुत होगी इसके लिए। समर में आप इस प्लांट को शेडी एरिया में रखें, जहां सुबह और शाम के कुछ घंटे की हल्की धूप इसे मिले, जिससे इसकी पत्तियों का कलर हमेशा बना रहे। लेकिन विंटर में आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ भी होती रहे और इसके पत्तियों का कलर बना रहे। कोलियस प्लांट के बारे में आपको ये सब टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।